नमस्कार वंदे मातरम भारत माता की जय हम मॉडर्न है ये वर्ड अभी बहुत सुनने में आ रहा है लड़कियों के मुंह से मोस्ट ऑफ ये चीज़ें सुनने मिलती है कि हम मॉडर्न है मुझे नहीं समझ में आता ये लोग मॉडर्न का क्या मतलब निकालते हैं मेरे हिसाब से मॉडर्न ना हमेशा इंसान को ना यहाँ से होना चाहिए ना कि छोटे कपड़े पहनना फ्रीडम से घूमना सिगरेट पीना या किसी और लत में लग जाना लड़कों के साथ टाइम पास करना मुझे नहीं लगता ये मॉडर्न लाइफ की कोई भी निशानियाँ हैं अभी की जो कॉलेज गर्ल्स है मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें ना स्टेटस सिंबल बन गई है जो कि एक गलत धारणा है आप किसी भी लड़के को अगर आप पूछोगे ना तो वो घर पर वही लड़की को प्रीफर करेगा जो संस्कारी हो और सुशील हो क्योंकि घर में किसी की भी ना कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरी माँ को तो पसंद है ऐसी लड़की जो स्मोक करे मेरी माँ को पसंद है जो माइक्रो मिनीस पहनकर घूमे हर लड़के की शादी के लिए अगर कोई पसंद होगी ना तो वो साड़ी वाली संस्कारी लड़की ही होगी तो ये आप मॉडर्न है उसके चक्कर में जो आपके टाइम पास बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए जो आप अपनी लाइफ नहीं है फिर भी आप उसको बना रहे हो वो आपको कहाँ पर ले जाकर अटकाएगी शायद उसके क्या बैक फायर्स है और इसकी वजह से आपकी फैमिली को क्या भुगतना पड़ेगा ये शायद आप लोग नहीं जानते हो ये वीडियो मैंने स्पेशली कॉलेज की लड़कियों के लिए बनाया है मैं अभी अभी से बहुत सारी लड़कियों को देखा जहां हम जॉब करते हैं वहां पर जो नीचे एक जो गल्ला है वहां पर हम लोग देखते हैं लड़कियां बहुत फ्रिक्वेंटली आकर स्मोक करती है मुझे ये देखकर बहुत नवाई लगती है कि उन लोगों को शायद वो भी डर नहीं होता कि उनके फैमिली का अगर कोई वहां से गुजरेगा और अगर उन लोगों को देख लेगा तो उनके घर वाले लोग उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे या उनके घर पर क्या उसका बैकफायर हो सकता है क्योंकि समाज में ना लड़की का नाम खराब होते हुए ना आज तक ना कोई नहीं बचा पाया है आज हमारा देश आज भी पुरुष प्रधान देश है और ये चीजें ना हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं अगर आप ये बोलते हो आज हम लड़कियां है लड़कों के साथ साथ हम खड़े हैं तो फिर आप अबला नारी नहीं हो फिर आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो फिर आप किसी लड़के को इस चीजों में ना भरा कर आप इन चीजों की जिम्मेदारी खुद अपने आप पर ले मुझे नहीं लगता कि हर बार लड़कों की ही गलती होती है क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है कि एक लड़का ना एक चीज है अगर एक लड़की अगर चाहे ना तो कोई लड़का उसके ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता है लेकिन लड़की अगर इतनी सक्षम हो तो अगर आप सामने चलकर ऐसी हरकतें करते हैं अगर स्मोक करना माइक्रो माइक्रोमिनीज पहनकर उसके सामने टू व्हीलर पर निकलना चौराहे पे जगह अगर आप खड़े हो लोग आँख के ऊपर हंस रहे हैं फिर आपको घर पर आकर रोना भी है अगर आपको कोई कुछ बोले तो आप बोलते हो हम तो लड़कों के समकक्ष है तो फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए जब अगर आप ये मानते हो कि हम लड़कों के बराबर के हैं तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो मॉडर्न होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब पूरी सब कुछ चीजें खराब हो चली है आपकी लाइफ में और फिर आप कोर्ट में जाकर खड़ी रह जाती है किसी लड़के के सामने उंगली दिखाकर कि इस लड़के की वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई आपको ये सारी चीजें तब सोचनी चाहिए थे जब आप ये मॉडर्न थिंकिंग की लाइफ पे और राह पर चल रहे थे क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियों के घर पर शायद पता भी नहीं होगा कि ये कॉलेज में कितनी संगत में घूम रहे हैं किस तरीके की इन लोगों की बच्चों की लाइफ है ये लोग शाम को घूमने घामने निकल जाते हैं माँ बाप को पता भी नहीं होता ये लोग कहाँ जा रहे हैं किसके साथ है और क्या कर रहे हैं क्योंकि आजकल के बच्चों को अगर आप कुछ पूछोगे तो शायद उनको वो अच्छा भी नहीं लगता है कि क्यों हमको ये सब पूछा जा रहा है आप हमारे सीआईडी नहीं हो ये कॉमन थिंकिंग आज की यंग जनरेशन में पाई जाती है तो माँ बाप अगर इन चीजों को अवॉइड करना सीखा चाहते हैं तो सबसे पहले माँ बाप को ना अपने बच्चों को ना अपनी परिस्थिति से अवगत कराना बहुत जरूरी है बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि उनका फैमिली किस तरीके से रन हो रहा है माँ बाप पैसे इकट्ठे करते हैं मेहनत करके अपने सपनों को मारकर ताकि उनके बच्चे अच्छी कॉलेज में पढ़ सके लेकिन जब वो बच्चा ये मानने लगे कि यार मेरा बाप तो बहुत कमाता ही ये मेरी सारी चीजें पूरी करेगा वो बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा जिन बच्चों को अपने परिस्थिति अपने घर की पता होगी वो बच्चा हमेशा जिंदगी में आगे आने के लिए सोचता है रही लड़कियों की बात आप आज के जमाने में आप जॉब करते हैं आप अपने पैरों पर खड़े हैं अगर आप ज्यादा कमाते हैं आप अपनी सारे सपने पूरे कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक चीज बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ेगी कि, कि कल को उठ के आप अगर किसी के परिवार में अगर जाते हैं तो आपको सारे एडजस्टमेंट करने आने चाहिए या तो सामने वाले परिवार को इस तरीके से उन लोगों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि उन लोगों को ये लगे कि इससे बेहतर ऑप्शन हमारी लाइफ में आ ही नहीं सकता था आज आप देखोगे कॉलेज के बाहर जो लड़कियां खड़ी होती है कहीं ना कहीं आप देखो उनकी हरकतों से आपको लगता है कि आगे चल के पता नहीं क्या कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में तो ये सारी चीजों में ध्यान ना देकर क्योंकि ये बहुत सारे लोग आज हम हम जब नीचे खड़े रहते हैं ऑफिस के नीचे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो स्मोक वोक जो करते हैं लोग आउट स्टेशन की लड़कियां होती है जो यहाँ पर पी जी में रहती है तो उनको सीख तो आपको और सीखना चाहिए कि वो तो पीजी में रहती है अपने माँ बाप के साथ रहती भी नहीं है शायद इस वजह से ये चीजें करती है और आपको भी साथ साथ में वो चीजें बिगड़ रही है आपकी भी तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना वो कितनी हद तक आपको जरूरी लगता है वो डिसाइड आपको करना है क्योंकि बहुत ही है ना पतला एक लाइन होता है संस्कार और असंस्कार के बीच वो आपको जज करना है कि आपको किस तरह रहना है कल को उठ के आप अगर वो तो पीजी वाली लड़कियां यहाँ से चली भी जाएगी हो सकता है कि वो आगे जाकर लाइफ में क्या गलत करेगी सही करेगी वो आप शायद उसके कांटेक्ट में आओ नहीं आओ लेकिन आप उसके संगत में जो बिगड़ चुके हो ना वो चीजें आप फिर सुधार नहीं पाओगे क्योंकि हमारा समाज ना एक लेवल के आगे की मॉडर्न लड़कियों को स्वीकार आज भी नहीं करता है हाँ अगर आप पढ़े लिखे हो आप जॉब करते हो वहां तक ठीक है आपका पहनावा अगर आप जींस पहनते हो टॉप पहनते हो वहां तक ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत सारे ऐसे परिवार आई थिंक नाइन्टी परसेंट ऐसे परिवार होंगे जो माइक्रो मिनिस पहनकर आपको अलाउ नहीं करेंगे जॉब पर जाने देने का या डांस पार्टीज में घूमने का या आपके पति और आपके ससुर के सामने आपको आपकी सास ये नहीं बोलेगी हाँ तू स्मोक कर सकती है तो ये चीजों से आप प्लीज दूर रहे क्योंकि ये आपके माँ बाप का ना पूरा आपके माँ बाप पर ना इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है तो ये मॉडर्न है हम ये चक्कर में आप अपनी लाइफ को प्लीज बर्बाद ना करें आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इन फ्यूचर जहाँ भी आप जाते हैं जहाँ भी आप जॉब करते हैं या जहाँ भी आपकी शादी होती है आप एक औरत ना ये समाज का आईना है एक औरत ना अपने आप के साथ अपने परिवार को रिप्रेजेंट करती है उनके संस्कारों को रिप्रेजेंट करती है तो इन चीजों पर दाग ना लगे वो सोचना आपका बहुत बड़ा मतलब एक आ, जिसको बोलते हैं ना आपका ड्यूटी है ये कि इन चीजों को दाग ना लगे आपके माँ बाप को कोई सवाल पूछकर शर्मिंदा ना करे ये चीजें एक लड़की के हाथ में होती है और अच्छा समाज एक औरत ही बना सकती है तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखें वंदे मातरम भारत माता की जय